भाई क्या है? तेरे को बोला था ना हर दिवाली पे अपने घर पे रहने का, मेरे घर पे गलती से भी नहीं आने का। भाई मैं तो गिफ्ट देने आया था। हर दिवाली तू मेरे को शाम को 6 बजे बाप के रूप में आकर गिफ्ट पे गिफ्ट देके जाता है, वो क्या कम है क्या? साला ये बुड्ढा मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं देता। भाई ऐसा क्या होता है 6 बजे? कल बताऊंगा तुझे, तू निकल अभी मेरे घर से। नहीं भाई आज मुझे जानना है क्या होता है। मौत का तांडव होता है मेरे भाई, चला जा तू यहाँ से। ए नागू तू क्या कर रहा है इधर, तेरे को बोला था 6 बजे से पहले निकल जाने का। अरे टेंशन क्यों लेता है, अभी तो 3 ही बजा है सिर्फ। हाँ साला 3 घंटे पहले भी 3 ही बजा था। ए परशा पापा, कितनी बार बोला पापा नहीं सरकार जी बोलने का। सॉरी सरकार जी आप आ गए, मैं दिख नहीं रहा तेरे सामने खड़ा हूँ मादरचोद। हाँ मैं मादरचोद हूँ। अपनी माँ को गाली देता है हरामखोर, अगले टाइम से बाप को गाली दूंगा। बाप को गाली देगा? सॉरी पापा। पापा नहीं सरकार जी बोल। जी सरकार जी। दो बार नहीं एक बार जी लगा। मुंह क्यों बंद कर दिया, जबान नहीं है क्या मुंह में? है ना, ये देखो ये जबान लड़ाता है हरामखोर। खत्म हो गई ये फैंसी ड्रेस, इधर आ जा, दो संतरा का बोतल लेके आ जा। परशुराम सरकार के घर में दारू। परशुराम तो तेरे बाप का नाम है ना। बाप किसको बोला, सरकार जी बोल सरकार जी। साला पूरा नशा उतार दिया मेरा। क्या बोला? वो देखो आपका बेटा बुला रहा है उधर। ये ऐसे नशेड़ी दोस्त है तेरे, निकल लो यहाँ से, बुड्ढा भड़क गया है। वो देख किसे सांप की तरह रेंगता हुआ जा रहा है वो। और दिवाली है, दिए क्यों नहीं जले अभी तक? हाँ हाँ अभी जला नहीं निकला था। हाय मजनू, हैप्पी दिवाली। इसके तो लौड़े लगने वाले अभी। चलो मेरा गिफ्ट दो, आईफोन 11 प्रो। कवर खरीदने की औकात है क्या तेरी? आईफोन 11 प्रो चाहिए? कौन है ये लड़की? सरकार जी वो मेरा दोस्त है ना मजनू। हाँ हाँ उसकी आइटम सॉरी धर्म पत्नी है मंजुलिका। अच्छा अच्छा, काफी गरीब खानदान से लगती हो। नहीं क्यों? पिताजी ने दिवाली पे कपड़े नहीं खरीद के दिए तुझे? अरे ये तो फैशन है। मंजुलिका तू चली जा अभी, मैं भेजता हूँ मजनू को। अच्छा अच्छा बाय चाचा। छी, आजकल की लड़कियों को तमीज नाम की कोई चीज नहीं बची। बिल्कुल सही कहा आपने सरकार जी, मैं दिया जला के आता हूँ, आप बैठ जाइए सोफे पे। जी कौन? हाय चंपा बोल रही हूँ, आज रात का प्लान याद है ना? अरे चंपा कौन सा प्लान? मैंने बताया तो था आज रात मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम वाइन और कॉन्डम लेके आ जाओ, मेरे बेडरूम में दिवाली मनाएंगे। भाई आप आ गए? अरे मजनू तू इतना जल्दी कैसे वापस आ गए? पता नहीं वो पटाखों के आवाज के बाद ऐसा लगा मेरी नींद खुल गई, वैसे चंपा का कॉल आया था। अरे हाँ भूल गया, रात को चंपा के घर भी जाना है मुझे। वाह भाई क्या प्लान है? अरे कुछ नहीं, आज रात सारे लोग घर के बाहर दिवाली मनाएंगे और हम दोनों घर के अंदर दिवाली मनाएंगे। परशा पापा 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 नहीं सरकार बोल हरामखोर। सॉरी पापा। भोसड़ी के दिवाली मनाएगा? नहीं नहीं, खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया साले। आज तो तेरी गर्दन काट के दीवार पे टांगूंगा। सो हे गाइस हैप्पी दिवाली, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करो। नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।